जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 10th सोशल साइंस, चैप्टर नंबर 13, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 10th, वेलकम इन माय लेक्चर। डियर स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 13, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इज वी नो इम्पोर्टेंस, एवरीवन नो अबाउट द इंडस्ट्रीज। आज हम भारत के उद्योगों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर आप वैसे जानते हैं कि उद्योगों का कितना महत्व है, हमारी प्रोग्रेस में किस तरह सम्मिलित हैं। तो फर्स्ट हम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द इंडस्ट्री, द प्रोसेस इन विच मैन कैन चेंज नेचुरल रिसोर्सेज इनटू यूजेबल कंडीशन अकॉर्डिंग टू द हिज इंटेलेक्चुअल कल्चरल एंड इकोनॉमिक कैपेसिटीज कॉल्ड इंडस्ट्रीज। सबसे फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इंडस्ट्री किसे कहा जाता है। द प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जो मेन अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूजेबल कंडीशन में मशीनों के माध्यम से उसको यूजेबल रूप में, मतलब अपनी इंटेलेक्चुअल और कल्चरल और इकोनॉमिक कैपेसिटी को बढ़ा देता है, उसे हम इंडस्ट्री कहते हैं। तो वापस से ध्यान रखना, व्हाट इज द इंडस्ट्री, द प्रोसेस इन विच मैन कैन चेंज द नेचुरल रिसोर्सेज इनटू यूजेबल कंडीशन, नेचुरल रिसोर्सेज को यूजेबल कंडीशन में बदल देता है अकॉर्डिंग टू हिज इंटेलेक्चुअल कल्चरल एंड इकोनॉमिक कैपेसिटीज कॉल्ड इंडस्ट्री। इन द इंडिया इंडस्ट्रीज ट्रेडिशन आर फाउंड इन सिंस इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो, हमारे यहाँ इंडस्ट्री का डेवलपमेंट आज से नहीं, 5000 साल पहले की बात कर रहे हैं हम, हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर। एट द टाइम इंडिया यूज टू प्रिपेयर कॉटन, उस समय में देखिए भारत कॉटन का उत्पादन करता था, क्ले यूटेंसिल्स, थिंग्स, बेल मेटल, बीड्स, इन सबके हमें एग्जाम्पल सिंधु घाटी सभ्यता से हमको अब प्राप्त होते हैं। और अप टू 18th सेंचुरी इंडिया वॉज अहेड इन द शिप बिल्डिंग। 18वीं शताब्दी के बाद से देखो इंडिया अभी आगे बढ़ा हुआ है शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए। इंडिया वॉज ऑल्सो अहेड इन द हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्री के लिए भी फेमस है। देयर वॉज ए हैवी डिमांड ऑफ इंडियन कॉटन, मसलिन, क्लॉथ एंड मेटल यूटेंसिल्स एंड ऑर्नामेंट्स। देखो, हमारे प्राचीन समय से भारत के अंदर से जगह कई हैंडीक्राफ्ट की थिंग्स को, इसके बाद में कॉटन यहाँ का, मसलिन ये और मेटल जो के यूटेंसिल्स थे, इनके बाद विश्व भर में हमारी डिमांड थी। विद द बिगनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल इन रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड, द ब्रिटिशर यूज टू टेक अवे द रॉ मटेरियल। अब देखिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जिस तरीके से विश्व में सबसे पहले इंग्लैंड वगैरह इन डेवलप्ड कंट्रीज में हुआ था, तो उस समय से भारत के यहाँ, भारत में से ये लोग कच्ची सामग्री ले जा करके और वहाँ कंप्लीट करके यहाँ भारत में लाते थे, पूरा करके भारत में लाते थे एंड मैन्युफैक्चर्ड इन द इंग्लैंड एंड हायर प्राइस इन इंडिया, और यहाँ भारत के मार्केट्स के अंदर उससे ऊंची रेटों पर बेचते थे, और जिससे हमारा यहाँ इंडियन मार्केट वुड कैलप्स। और दे यूज द फॉलो पॉलिसी ऑफ सेलिंग द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड एट हायर प्लेस प्राइस इन इंडिया एंड इंडियन मार्केट वुड कैलप्स, और भारत के जो मार्केट थे वो बंद हो गए, खराब हो, खत्म हो गए, बर्बाद हो गए। दिस डैमेज द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया हैवीली एंड इंडियन क्राफ्ट्समैन, और ये हमारे इंडियन के क्राफ्ट्समैन और यहाँ का हमारा जो मार्केट था वो ख़त्म हो गया। भारत हमारे यहाँ से जो इंग्लैंड के लोग थे, जो ब्रिटिशर्स आए थे, वो ब्रिटिशर्स यहाँ से हमारे यहाँ से कच्ची सामग्री लेके जाते थे, और इन कच्ची सामग्रियों को पूरा बना करके यहाँ भारत के मार्केटों में वापस बेचा करते थे। इसके अतिरिक्त देखो, हम लोगों ने यही इतिहास में भी पढ़ा था कि हमारे यहाँ से बनी हुई वस्तुओं के ऊपर वो लोग टैक्स लगाते थे, जबकि भारत वहाँ इंग्लैंड से बनी हुई वस्तु के ऊपर टैक्स फ्री होता था, जिससे हमारे यहाँ मार्केट में हम कॉम्पेट नहीं कर पाते थे, और धीरे धीरे करके हमारी जो इंडस्ट्रीज थी वो बंद हो गई। अब नाउ इम्पोर्टेंस,
सबसे पहले हम जो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखो, द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशन डिपेंड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। किसी देश का जो अस्तित्व होता है वो वहाँ की इंडस्ट्री के ऊपर, क्योंकि देखो एवरी कंट्री हैव नेचुरल रिसोर्स। सभी कंट्रियों के पास में नेचर के रिसोर्सेज हैं, किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास बहुत अधिक है, बट उनके साथ में अगर हम उनका सही उपयोग ना कर पाए तो दैट इज, तो उसके लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा। इसलिए देखिए, अगर हमारे पास इसके यूज करने के लिए, उस रिसोर्सेज का उपयोग करने के लिए हमारे पास अगर इंडस्ट्रीज हैं तो हमें हमारे कंट्री को आगे बढ़ा सकते हैं, किसी और भी नेशन का जिस जो इस कंट्री का हो आगे बढ़ा सकते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट इंडस्ट्रीज प्रोग्रेस विल बी इम्पॉसिबल। सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो है हमारे इम्पोर्टेंस है वो है इकोनॉमिक। देखो इससे दो तरह, एक तो इकोनॉमिक कैसे कि वी गेट मैन्युफैक्चर्ड थिंग, फिर हमारा यहाँ से लेबर को वर्क मिलेगा, हमें वस्तु हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग होगा, इन रिसोर्स के उपयोग से हम लोग इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट इंडस्ट्रीज प्रोग्रेस विल बी इम्पॉसिबल। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिना इंडस्ट्री के संभव नहीं है। दोज कंट्री विच हैव डेवलप्ड मोर इंडस्ट्रीज हैव स्ट्रेंथन देयर इकोनॉमी इक्वली, और जिन देशों के अंदर ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं वो काफ़ी आगे हैं, उनका इकोनॉमी काफ़ी पावरफुल है। जिसमें देखिए यूनाइटेड नेशन की बात, अमेरिका की बात करें हम लोग, जापान, कोरियन, साउथ कोरिया, दे आर वेरी प्रॉस्परियस एंड डेवलप्ड है ना नेशन। बेसिक ऑफ देयर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट की वजह से ये जो कंट्री काफी आगे हैं। दोज कंट्रीज वेयर इंडस्ट्रीज आर आइदर इन डेवलप्ड और लेस डेवलप्ड आर नॉट केपेबल टू हार्नेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल एंड दे हैव टू सेल देयर नेचुरल रिसोर्सेज इन चीपर प्राइस। अब देखो, जिस प्लेस के ऊपर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है, जिन कंट्रीज के अंदर कम है, ऐसे लोगों को उनके नेचुरल रिसोर्सेस को कम दामों पर बेचना पड़ता है, क्योंकि वो उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं, और ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत उन्हें कम प्राइस के ऊपर अपने रॉ मटेरियल को बेचना पड़ता है। दे हैव टू सेल देयर नेचुरल रिसोर्सेज एट चीपर प्राइस, सस्ते एंड परचेज द थिंग्स मेड ऑफ द सेम, और उन्हीं वस्तुओं को, जिन रॉ मटेरियल को उन्होंने बेचा उन्हीं वस्तुओं को उन्हें खरीदना पड़ता है एट फॉरेनर से ऑन हाई प्राइस। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट 29% ऑफ नेशनल प्रोग्रेस का, हमारे यहाँ 29% कंट्रीब्यूशन करता है। द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश रूल ब्रॉक द बैकबोन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। लेकिन एक विषय हम जानते हैं कि हमारे देश के अंदर, भारत देश के अंदर, आप अच्छी तरह जानते हैं कि अंग्रेजों का शासन रहा, उससे पहले मुस्लिमों का शासन रहा, अंग्रेजों ने कैसी पॉलिसी की ली जिसकी वजह से हमारा यहाँ इंडस्ट्रियल बैकबोन टूट गया। और ड्यूरिंग द स्लेवर पीरियड, इस स्लेवर पीरियड में इंडस्ट्रीज विद द मॉडर्न मेथड कुड नॉट बी स्टार्टेड। जो मॉडर्न तरीके से आने वाले इंडस्ट्रीज का हम लोग अधिकतम एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर सके। इन 1853 द फर्स्ट इंडियन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन फर्नेस बेस्ड ऑन चार कॉल वाज फाउंडेड। 1853 के अंदर, 1853 के अंदर फर्स्ट फर्नेस चारकोल के आधार पर लगाया गया, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। मॉडर्न मेथड डू नॉट स्टार्ट 1853 के अंदर, वापस से ध्यान देना, द फर्स्ट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन फर्नेस बेस्ड ऑन चारकोल, कोल के आधार पर वॉज फाउंडेड, जिसको स्थापित किया गया, बट इट फेल, लेकिन वो असफल रहा। फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट वॉज मेड इन
सबसे पहला प्रयत्न किया गया 1854 में 1854 के अंदर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। देयर आफ्टर जूट मिल वॉज एस्टेब्लिशमेंट इन 1855। तो 1854 के अंदर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, 1855 के अंदर जूट इंडस्ट्री वॉज एस्टेब्लिश, जूट की इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की गई इन रिस्त्रा नियर कोलकाता, रिस्त्रा नियर कोलकाता के अंदर। इन 1874 फैक्ट्री वॉज फाउंडेड इन कुल्ती, 1874 के अंदर कुल्ती के अंदर इंडस्ट्री बनाएगी मेकिंग आयरन विच वर क्लोज आफ्टर फ्यू ईयर्स, कुछ समय बाद वो भी बंद हो गई। इट वॉज रिस्टार्टेड, इसको वापस से शुरू किया गया 1881 के अंदर। फिर 1907 के अंदर ए न्यू डिमेंशन वॉज प्रोवाइडेड विद द फाउंडिंग ऑफ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एट जमशेदपुर। 1907 के अंदर एक न्यू मेथड से, है ना, देखिए यहाँ टाटा आयरन स्टील कंपनी जमशेदपुर के अंदर एस्टेब्लिश की गई। तो वापस से ध्यान देना, 1907 के अंदर ए न्यू डिमेंशन वॉज प्रोवाइडेड विद द फाउंडिंग ऑफ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एट जमशेदपुर। जमशेदपुर के अंदर एस्टेब्लिशमेंट किया गया, ध्यान देखना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का। अब इस तरह हमारे क्या इम्पोर्टेंस है, तो सीधी सी बात है कि इंडस्ट्री से हमको इकोनॉमिक सपोर्ट मिलता है, कोई भी कंट्री आगे बढ़ता है, उसके नेचुरल जो रिसोर्सेस हैं उनका सही उपयोग होता है, फिर हमने इकोनॉमिक हमारे फाउंडेशन बिना इंडस्ट्री के संभव नहीं है। नाउ नेक्स्ट में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो देखो, हम क्लासिफिकेशंस कई आधारों पर कर सकते हैं। तो इंडस्ट्रीज कैन बी डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ द ह्यूमन लेबर ऑनरशिप एंड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। इंडस्ट्री को हम कई तरीकों से बांट सकते हैं, उसमें से देखिए ह्यूमन लेबर ऑनरशिप और रॉ मटेरियल के आधार पर हम बांट सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ लेबर, ऑन लेबर बेस दे आर डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल जहाँ लेबर कम हो सकते हैं, लार्ज स्केल मतलब जहाँ बहुत बड़ी संख्या में लेबर्स हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ बेसिस ऑफ द ह्यूमन लेबर, द इंडस्ट्रीज कैन बी डिवाइड एज स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज वेयर मोर एम्प्लॉयमेंट इज अवेलेबल, जहाँ ज़्यादा संख्या में एम्प्लॉयमेंट मिलता है, दे आर नोन एज द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। दोज इंडस्ट्रीज वेयर मोर एम्प्लॉयमेंट इज अवेलेबल इज नोन एज लार्ज स्केल इंडस्ट्री, और जहाँ पे स्मॉल कम संख्या में मिलता है उसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहा जाता है। द इंडस्ट्रीज एंड मोर एम्प्लॉयमेंट, इसके बाद में वेन द इंडस्ट्रीज अंडर द डायरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। अब सेकंड, अगर हम लोग पहली बात करें, जहाँ पे स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल की बात हुई, ज़्यादा संख्या में अगर हमको लेबर होंगे दैट इज कॉल्ड लार्ज, और कम संख्या में जहाँ लेबर होंगे दैट इज कॉल्ड द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और दूसरा यहाँ है वो ऑनरशिप के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनरशिप द इंडस्ट्रीज हैज बीन डिवाइडेड इन टू फोर पार्ट्स, पब्लिक, प्राइवेट, ज्वाइंट एंड कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव, तो अब देखिए प्राइवेट का मतलब इंडिविजुअल या प्राइवेट, यह इंडस्ट्री जो प्राइवेट मतलब ये व्यक्तिगत होती है और उसका जो ओनर होता है वो प्राइवेट होता है, मे बी वन और टू भी हो सकते हैं लेकिन प्राइवेट ओनर है। ऑल द डिसीजन टेकन बाय प्राइवेट, इसमें देर इज नो इंटरफेयर ऑफ द गवर्नमेंट। पब्लिक, पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं विच आर अंडर कंट्रोल बाय द पब्लिक, मतलब गवर्नमेंट अपने अंडर में रखती है। कुछ जॉइंट होती है विच आर पब्लिक प्लस प्राइवेट, जिसके ओनर
और जो मैनेजमेंट होता है वो कोऑर्डिनेशन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट, गवर्नमेंट और प्राइवेट मिल करके चलाते हैं। कुछ ऐसा होता है जो कोऑपरेटिव कहा जाता है, कोऑपरेटिव का मतलब मेनी पीपल्स मिल करके कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज तैयार करते हैं जो वर्क और काफ़ी लोगों के द्वारा मिल करके किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द कोऑपरेटिव सेक्टर। और अंत में यहाँ ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का बेस होता है यहाँ जनरली इट इज डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, एग्रो बेस्ड और दूसरा जो होता है मिनरल बेस्ड। ऐसे इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर के वस्तुओं के बेस्ड पर एग्रो के आधार पर चलते हैं, और जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं। अब एग्रो बेस्ड के अंदर आप लोग देखते हैं जस्ट लाइक कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आती है, इसके अंदर जूट इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री, वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सिंथेटिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ एक तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एग्रो बेस के अंदर आती है टेक्सटाइल, शुगर और पेपर, ये आपका एग्रो बेस्ट है। मिनरल के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो हम लोग आगे बाद में जाकर के डिस्कस करेंगे। तो अब सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देखिए कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, गारमेंट्स इंडस्ट्री हैज बीन इम्पोर्टेंट प्लेस इन इंडियन इकोनॉमी, इन भारत की इकोनॉमी में गारमेंट इंडस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। द इंडस्ट्री प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द 3.5 करोड़ पीपल, और ये जो इंडस्ट्री है 3.5 करोड़ लोग को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द इंडस्ट्री विच प्रोवाइड्स द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इन कंट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो भारत में सबसे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। इंडिया होल्ड सेकंड रैंक आफ्टर चाइना इन द एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, चाइना के बाद में भारत का दूसरा नंबर आता है एक्सपोर्ट करने में, कॉटन को एक्सपोर्ट करने में सेकंड नंबर की पोजीशन आती है वर्ल्ड के अंदर। चाइना का फर्स्ट नंबर है, इंडिया का सेकंड नंबर इन एक्सपोर्ट। इट इज द मेन इंडस्ट्री फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट कॉटन मिल, अब फर्स्ट कॉटन मिल वॉज एस्टेब्लिश इन मुंबई, फर्स्ट कॉटन मिल थी वो मुंबई में एस्टेब्लिश की गई। देयर आफ्टर इसके अतिरिक्त शाहपुर मिल्स, कलिको मिल वर एस्टेब्लिश इन अहमदाबाद इन गुजरात। इनिशियल ईयर के अंदर कॉटन टेक्सटाइल मिल वर एस्टेब्लिश इन मुंबई एंड अहमदाबाद, शुरुआती दौर में अहमदाबाद और मुंबई में इंडस्ट्री डेवलप की गई। दीज मिल्स वर एस्टेब्लिश ड्यू टू द चीप कॉटन। अब देखो यहाँ पर हमारे यहाँ अवेलेबल होता है चीप कॉटन, सस्ते से रूप में कॉटन अवेलेबल हो जाता है, अवेलेबिलिटी फॉर लेबर, लेबर भी अवेलेबल हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज और पोर्ट्स फॉर एक्सपोर्ट, फेवरेबल मार्केट्स। एंड टुडे कॉटन टेक्सटाइल मिल आर लोकेटेड इन 100 सिटीज ऑफ इंडिया। आज के समय में 100 से ज़्यादा मतलब सिटियों के अंदर हमें कॉटन टेक्सटाइल मिलते हैं। उसके अंदर देखिए मेन ट्रेडिशनल इंपोर्ट प्रेजेंट इन मुंबई, अहमदाबाद, इसके बाद में भिवानी, सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, इंदौर और उज्जैन है। देर आर मोर मिल्स इन मुंबई इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर। हियर इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉटन पॉलिश इन इंडिया, इंडिया का कॉटन पॉलिश सिटी भी कहा जाता है। द इंडस्ट्री इज ऑल्सो एस्टेब्लिश इन पुणे, और इसके अतिरिक्त एस्टेब्लिश की गई पुणे, कोल्हापुर, औरंगाबाद, जलगांव सिटीज, गुजरात के अहमदाबाद इज कॉल्ड, गुजरात के अंदर जो अहमदाबाद सिटी है वो मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है, और डेनिम सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, मैनचेस्टर सिटी कही जाती है, अहमदाबाद इज कॉल्ड मैनचेस्टर सिटी, और इसके बाद में डेनिम सिटी कही जाती है। बिसाइड्स द सिटीज लाइक, इसके अतिरिक्त गुजरात के अंदर जो सिटीज हैं वडोदरा, कलोल, भरूच, सूरत, पोरबंदर, भावनगर, राजकोट आर ऑल्सो इंक्लूडेड। कोयम्बटूर इज द मेन सेंटर, अब देखें यहाँ कोयम्बटूर मेन सेंटर है तमिलनाडु के लिए, चेन्नई और मद्रास और सिटीज हैं जहाँ पर ये इंक्लूड किए गए हैं। मेन सेंटर इन उत्तर प्रदेश के अंदर मेन सेंटर जो हैं कॉटन के लिए उसमें कानपुर, इटावा, आगरा, लखनऊ,
इन मध्य प्रदेश के अंदर है, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन एंड देवास मेन सेंटर्स हैं। और वेस्ट बंगाल में कोलकाता, हावड़ा, मुर्शिदाबाद आर द मेजर सेंटर्स। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज सेटअप ऑल्सो इन राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। इसके अतिरिक्त देखो, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री राजस्थान के अंदर, पंजाब के अंदर, हरियाणा में है। एक्सटेंसिव मार्केट सेंटर्स, ट्रांसपोर्टेशन, बैंक का इलेक्ट्रिसिटी हैव कंट्रीब्यूटेड कंसिडरेबली टू डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्री। देखिए, यहाँ जगह जगह पर इंडस्ट्री होना, यहाँ डिसेंट्रलाइज होने के पीछे कारण है कि यहाँ पे लेबर का मिलना, कॉटन का प्राप्त होना, मतलब एज ए रॉ मटेरियल, बैंकिंग फैसिलिटीज, फाइनेंस एक्सेट्रा, दिस फॉलोइंग फैसिलिटीज होने के बावजूद ये हमें और यहाँ अलग अलग जगह व्यवस्थाएं मिली हैं। टुडे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज फेसिंग द टफ कॉम्पिटिशन। लेकिन आज हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है, कॉटन के सामने कॉम्पिटिशन में चल रहा है फैक्टर्स में इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ बेस्ट वेराइटी कॉटन। क्योंकि यहाँ उसके पीछे कारण है, पहला कारण क्या है कि फर्स्ट जो हमारी टेक्सटाइल के सामने, हमारी इंडस्ट्री के सामने बहुत टफ कंपटीशन है, उस कंपटीशन के पीछे फर्स्ट जो रीजन है इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ बेस्ट वैरायटी ऑफ कॉटन, कॉटन की बेस्ट वैरायटी का न मिल पाना। यूज ऑफ ओल्ड मशीनरी, पुरानी मशीनों का यूज होना, इररेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई, इलेक्ट्रिक की सप्लाई हमको पूरी नहीं प्राप्त होती है, कॉम्पिटिशन फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर, आर्टिफिशियल जो फाइबर बना उससे हमारा कॉम्पिट होना, इन कॉम्पिटिशन टू ग्लोबल मार्केट। इंडिया एक्सपोर्ट कॉटन टेक्सटाइल क्लॉथ, हमारा भारत देश जिन देशों को एक्सपोर्ट करता उसमें रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सूडान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस एंड साउथ अफ्रीकन कंट्रीज। इन फॉलोइंग कंट्रीज के अंदर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब हमारे भारत से हम लोग फॉरेन में वस्तुएं भेजते हैं, कपड़े बेचते हैं। अब आता है नेक्स्ट में जूट इंडस्ट्री। जूट इज द सेकंड रैंक्ड मेजर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, सेकंड नंबर की है। इंडिया होल्ड फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ जूट। देखो, जूट के प्रोडक्शन में हमारा पहला नंबर है एंड मेड फ्रॉम जूट इंडिया एट सेकंड, लेकिन सेकंड नंबर आता है आफ्टर बांग्लादेश टू एक्सपोर्ट, जूट को एक्सपोर्ट करने में हमारा सेकंड नंबर आता है ऑफ द जोटन। जो उसके अंदर देखिए, सबसे ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन है जूट बनाने की जो इंडस्ट्रीज हैं वो वेस्ट बंगाल में, 80% ओनली इन वेस्ट बंगाल। आंध्र प्रदेश में अबाउट 10% एंड रेस्ट प्रोड्यूस इन बिहार, बाकी का 10% है वो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आसाम और त्रिपुरा में होता है। मच वाटर इज नीडेड टू प्योरीफाई जूट, जूट को प्योरीफाई करने में हमें ज़्यादा पानी की जरूरत होती है। सो मोस्ट मिल्स आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ हुगली रिवर, जो ज़्यादातर हुगली रिवर के तट पर ये एस्टेब्लिश कर रखे हैं, ये इंडस्ट्री स्थापित हैं। दिस इंडस्ट्री इज कॉन्सेंट्रेट ऑन वेस्ट बंगाल ड्यू टू द चीप लेबर। देखो, यहाँ ज़्यादातर ये वेस्ट बंगाल में इसलिए हैं, उसके पीछे जो उसकी फेवरेबल कंडीशन है वो है कि तो चीप लेबर मिलते हैं, इसके बाद रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है, बैंक को इंश्योरेंस, पोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए हमें वहाँ पोर्ट भी अवेलेबल है। टुडे द डिमांड फॉर जूट वॉज डिक्रीज आज, लेकिन सब बड़ी समस्या ये है कि जूट की जो मांग है वो कम होती जा रही है। पैकिंग मटेरियल फॉर गुड्स, जूट इज द फेसिंग द प्रॉब्लम लाइक ए मोर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके अतिरिक्त यहाँ प्रोडक्शन के लिए कॉस्ट ज़्यादा होती है। डिक्रीजिंग डिमांड ऑफ द जूट इन इंटरनेशनल मार्केट, और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जूट से बनी हुई वस्तुओं की जो डिमांड है वो भी कम होती जा रही है। इसलिए डे बाई डे जो हमारा यहाँ जूट है वो ख़त्म होता, जूट की जो मांग है वो ख़त्म होती जा रही है। अब नाउ नेक्स्ट में है सिल्क इंडस्ट्रीज। सिल्क प्रोडक्शन हैज़ ए लॉन्ग ट्रेडिशन, देखो लंबे समय से हमारा ट्रेडिशन है। आफ्टर चाइना इंडिया रैंक सेकंड, चाइना के बाद में सिल्क प्रोडक्शन के अंदर वर्ल्ड में सिल्क एक्सपोर्ट करने में सेकंड नंबर है, प्रोडक्शन के अंदर हमारा सेकंड नंबर आता है, फर्स्ट नंबर चाइना का है। इंडिया फोर टाइप्स ऑफ सिल्क प्रोड्यूस, भारत के अंदर चार तरह के सिल्क प्रोड्यूस किए जाते हैं, देयर आर मुलबेरी, एरी और तासार एंड मुगा। टुडे देयर आर अबाउट 300 सिल्क है ना वेल मिल्स इन इंडिया, भारत के अंदर अभी 300 सिल्क की है मिल हैं,
मेजर जो स्टेट सिल्क है उसमें मेजर कौन कौन से स्टेट्स के अंदर सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है, ध्यान रखना कर्नाटका, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, जम्मू कश्मीर। सिल्कन क्लॉथ एक्सपोर्ट किया जाता है वो है यूरोप के अंदर, अफ्रीका और गल्फ कंट्रीज के अंदर। बिसाइड्स इसके अतिरिक्त एक्सपोर्टेड इन जर्मनी, इसके अतिरिक्त देखो हम जर्मनी में भी इसका एक्सपोर्ट करते हैं, सिंगापुर, यूएसए, कुवैत, मलेशिया, रशिया। इन द इंटरनेशनल मार्केट इंडियन सिल्क इज फेसिंग टफ कॉम्पिटिशन, और ये भी हमारे लिए एक टफ कॉम्पिटिशन को फेस कर रहा है। फिर आता है नेक्स्ट में है वो आपका वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एजे कॉटेज इंडस्ट्री। वुलन इंडस्ट्री इज ए वेरी ओल्ड, वुलन इंडस्ट्री हमारी एक पुरानी है ना, ये भी एक पुरानी इंडस्ट्री है। मैक्सिमम वुलन मिल्स आर इन पंजाब, ज़्यादा से ज़्यादा सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है वुलन इंडस्ट्री वो पंजाब के अंदर है। नेक्स्ट कम इसके प्रति इसके बाद में महाराष्ट्र के अंदर है। देर आर ए वुलन मिल्स ऑल्सो इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अंदर भी अहमदाबाद एंड जामनगर गुजरात के अंदर जो है वो अहमदाबाद और जामनगर सिटी के अंदर इस वुलन क्लॉथ की है। अदर मेजर सेंटर है उसमें बीकानेर और जयपुर इन राजस्थान, श्रीनगर इन जम्मू कश्मीर, बेंगलोर इन कर्नाटका। इन इंडिया है ऑल्सो प्रोड्यूस वुलन कारपेट, वुलन क्लॉथ एंड एक्सपोर्टेड, हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका, कैनेडा, जर्मनी, फ्रांस एंड रशिया। इस तरह आपने देखा वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब इसके बाद में देखो यहाँ सिंथेटिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो द क्लॉथ्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर, जो सिंथेटिक फाइबर से प्रोड्यूस किया जाता है, इट इज स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड डज नॉट रिटेन रिंकल। ऐसे कपड़े होते हैं जिनके ऊपर झुर्रिया नहीं पड़ती है, स्ट्रॉन्ग होता है और ड्यूरेबल होता है। हियर दिस इंडस्ट्री हैज डेवलप्ड वेरी मच, यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज डेवलप है। द कॉटन फाइबर आर मिक्सड विद द सिंथेटिक, है ना, यहाँ जो प्रोड्यूस किया जाता है उसमें सिंथेटिक ठीक है फाइबर गेट मिक्स वेराइटी ऑफ अलग अलग प्रकार के क्लोथ को मिक्स करके बनाया जाता है। मेन प्रोड्यूसर ऑफ दिस इंडस्ट्री, इसके अंदर जो प्रोड्यूस करने वाले कौन कौन से, केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु। अदर सेंटर्स जो हैं वो सूरत के अंदर, कानपुर, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई एंड मोदीनगर। अब आता है नेक्स्ट में आपका शुगर इंडस्ट्री। देखो मेकिंग जेगरी फ्रॉम शुगर कैन जूस इज वेरी ओल्ड इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री भी हमारी प्राचीन इंडस्ट्री है। शुगर इंडस्ट्री स्टैंड सेकंड आफ्टर टेक्सटाइल इन एग्री एंड इंडस्ट्री इन इंडिया। शुगर इंडस्ट्री टेक्सटाइल के बाद में दूसरा नंबर आता है एग्रीकल्चर के रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री में। After reaping of the crop sugarcane, it has also been squeezed within the 24 hours so that the amount of the water is not reduced, otherwise its sugar contents will decrease. देखो after reaping तैयार होने के पश्चात भी देखिए it has to be squeezed within 24 hours के अंदर उसका use कर लेना चाहिए, अन्यथा उसके अंदर water reduce हो जाता है, कंटेंट्स फील्ड उसके अंदर जो शुगर के कंटेंट्स हैं वो कम हो जाते हैं। दैट इज़ वाई शुगर इंडस्ट्री इज लोकेटेड ग्रोइंग सेंटर। देखो सबसे बड़ी समस्या है कि अगर हम जो शुगर केन जो होता है अगर उसे काट करके समय पर हम तुरंत ही मतलब 24 घंटे के अंदर अगर हम उसका यूज़ नहीं करते हैं तो उसके अंदर जो शुगर के कंटेंट्स जो भी हैं वो कम होते जाते हैं। इसलिए ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ज़्यादातर कहाँ हैं, जो शुगर कि जहाँ शुगर केन के जहाँ बड़े बड़े खेत हैं, जहाँ प्रोडक्शन होता है, उन्हीं एरियों के आसपास में इसको एस्टेब्लिशमेंट कर रखा है। अब देखिए यहाँ शुगर केन ग्रोइंग सेंटर के पास में होता है, लोकेटेड ये खास करके महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और गुजरात, ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर शुगर केन का प्रोडक्शन होता है। दिस इंडस्ट्रीज डेवलप इन गुजरात, गुजरात के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे बारडोली, गणदेवी, ओलपाड़, व्यारा और उसके बाद भरूच और कोडिनार और तलाला जैसी गिर ऐसे प्लेसेस के यहाँ इन कुछ प्लेसेस के ऊपर इंडस्ट्रीज है। अंत में लास्ट आज का जो है वो पेपर इंडस्ट्री, तो पेपर इज मेड फ्रॉम सॉफ्टवुड, बम्बू, ग्रास एंड मोलिसिस ठीक है। पेपर जो बनाया जाता है वो किससे है, मेड आउट ऑफ द सॉफ्टवुड, बम्बू, ग्रास और मोलिसिस से बनाया जाता है। इट प्रोड्यूस इन आंध्र प्रदेश,
महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु एंड हरियाणा। देखो पेपर बनाने की जो इंडस्ट्रीज हैं वो आंध्र प्रदेश के अंदर हैं, महाराष्ट्र में हैं, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और हरियाणा में बनाई जाती है। तो ये जो हमारी हमने अभी जो पढ़ी वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री द मटेरियल, हम जो एग्रीकल्चर के द्वारा जो हमें प्रोड्यूस होता है जो मटेरियल, उसके बेस के ऊपर हमारी जो इंडस्ट्रीज थी मुख्य रूप से देयर आर थ्री इंडस्ट्रीज की बात की थी हमने। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिसके अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर भी हमारे यहाँ चार, तीन से चार तरह की थी। उसमें से देखिए कॉटन टेक्सटाइल, जूट, सिल्क, वुलन एंड सिंथेटिक। इसके बाद में हमने शुगर इंडस्ट्रीज की बात की और पेपर इंडस्ट्रीज की। अब नाउ नेक्स्ट में हम जो बात करेंगे उसके अंदर आएगी वो होगा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। अब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर अगर हम लोग बात करें तो दो इंडस्ट्रीज वेयर इन द मिनरल आर यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल, जिन इंडस्ट्रीज के अंदर रॉ मटेरियल के रूप में मिनरल यूज किया जाता है दे आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। ऐसी इंडस्ट्रीज को हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, जिन का मिनरल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, मिनरल्स के आधार पर जिनका उपयोग होता है, इंडस्ट्रीज सच इज द एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है, आयरन स्टील इंडस्ट्री है, कॉपर इंडस्ट्री, केमिकल, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट, इसके बाद में ट्रांसपोर्ट एंड इलेक्ट्रिक गुड्स आर मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री। अब उसमें सबसे फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वो है आयरन। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द एक्सिस मॉडर्न ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो आयरन और स्टील इंडस्ट्री, देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज सबसे हम अगर हमारे ऑल इंडस्ट्रीज का भी डेवलपमेंट या एस्टेब्लिशमेंट की बात बने तो दैट इज द आयरन। आयरन इज द की पार्ट, मेन है, फाउंडेशन है किसी भी इंडस्ट्रीज का, इसलिए इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। मशीन्स एंड कंस्ट्रक्शन आर प्रोड्यूस फ्रॉम इट्स प्रोडक्शन, इस प्रोडक्शन से देखिए छोटे मोटे जो भी आइटम्स हैं, टूल्स हैं, मशीन्स हैं आदि कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेरी ओल्ड इन इंडिया, हमारे इंडिया के अंदर ये जो आयरन इंडस्ट्री के लिए काफ़ी प्राचीन समय से चला आ रहा है। आयरन वॉज इम्पोर्ट फ्रॉम इंडिया टू मेक स्वॉर्ड्स इन आयरन वॉज इम्पोर्ट किया जाता था फ्रॉम इंडिया, इंडिया से टू मेक स्वॉर्ड्स इन डैम्स्कस से मतलब इम्पोर्ट किया जाता था। द फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया, इंडिया की जो फर्स्ट फैक्ट्री है प्रोड्यूस इन आयरन एस्टेब्लिश इन द पोर्ट नोवा इन तमिलनाडु। सबसे पहली इंडस्ट्री आयरन की एस्टेब्लिशमेंट की थी वो पोर्ट नोवा इन तमिलनाडु। इट वॉज क्लोज लेकिन बंद हो गए सम रीजन एंड सक्सेसफुल प्लांट प्रोडक्शन रॉ बेस्ड आयरन इंडस्ट्री, रॉ आयरन मेड एट कुल्ती के अंदर इस्टेब्लिश की गई। फिर इसके बाद में इन 1907 के अंदर द फैक्ट्री इस्टेब्लिश एट जमशेदपुर स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग आयरन स्टील इन वेरी लार्ज स्केल। 1907 में जमशेदपुर में टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्टेब्लिशमेंट है और उसने एक रियल प्रोडक्शन का, यानी कहा कि हाई प्रोडक्शन, लार्ज प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। इसके अतिरिक्त देखा यहाँ फैक्ट्रीज वर स्टेब्लिश इन द बर्नपुर इन वेस्ट बंगाल। इसके अतिरिक्त आयरन की जो इंडस्ट्री है वो बर्नपुर इन वेस्ट बंगाल, भद्रावती इन कर्नाटका। आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज आर ऑल्सो एस्टेब्लिश इन बिलई, राउरकेला, दुर्गापुर। अदर लार्ज स्केल वर फाउंडेड इन बोकारो, विशाखापट्टनम एंड सलेम। आयरन और कोल, लाइम स्टोन एंड मैगनीज आर यूज एज रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग आयरन स्टील। आयरन स्टील को प्रोड्यूस करने के लिए हमें जो मटेरियल चाहिए उसमें आयरन और कोल और लाइम स्टोन की ज़रूरत होती है। इसके अतिरिक्त मैगनीज की भी जरूरत है, चार तरीके से उसके रॉ मटेरियल के रूप में है। ए मिनी स्टील प्लांट हैज बीन फाउंड नियर हजीरा,
इन गुजरात। एक मिनी स्टील प्लांट बनाया गया है, वो गुजरात के अंदर हजीरा में बनाया गया है। गुजरात के अंदर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आयरन स्टील फैक्ट्री एक्सपेक्ट द टाटा हैंडेड ओवर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब देखो द टाटा ने जो हैंड ओवर किया है उसमें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल को दिया है। इंडिया रैंक फिफ्थ इन द वर्ल्ड इन आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन। आयरन और स्टील प्रोडक्शन में इंडिया की फिफ्थ पोजीशन है, वर्ल्ड के अंदर हमारी पांचवी पोजीशन है। वी हैव फिफ्थ पोजीशन इन फॉर द आयरन स्टील प्रोडक्शंस के अंदर। इसके बाद में एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे बाकी के, तो तब तक के यहाँ आप लोग नोट्स बनाएं और लिख लें और तैयार करें। जय श्री स्वामी नारायण।